अब बोलना इस देश में 2014 से गुना होती आ रही है। सरकार ने जो भी जनता सच बोले उस जनता को उस व्यक्ति को या तो अर्बन नक्सल बोलती है या तो एंटी नेशनल बोलती है, तो हर एक नाम देके या तो टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, तो अलग अलग नामों से नाम कॉल करना ये शुरू किया है 2014 से। अभी बात ऐसा है कि दिल्ली हमारी देश की राजधानी के अंदर इतने बड़े एक दंगे हुआ है, इस दंगे को छुपा नहीं सकती है चैनल और मीडिया, इसको पूरी देश में और इंटरनेशनल स्तर पे लेके जाएगी। तो सरकार डर रही है, सरकार को अभी शायद शेम हो रही है क्योंकि 56 इंच का प्रधानमंत्री हमारे देश में बैठा है, उसके कुर्सी के बिल्कुल 2 कदम आगे ऐसा एक दंगा हो रहा है, तो इसलिए वो मीडिया के ऊपर इतना गुस्से है कि आपने क्यों सच्चाई दिखाई। 2 दिन का जो बैन घोषित किया था मगर 1 दिन होते ही वो बैन वापस ले लिया, ये बोल के हमने इंक्वायरी किया, हमें जो फैक्ट्स मालूम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, वो जो दोनों चैनल ने जो बताए थे वो सही है, यही सरकार इनडायरेक्टली बोल रही है। तो हम ये बताना चाहती हूँ कि हम ये मीडिया प्रिंट मीडिया हो या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और सोशल मीडिया हो, ये मीडिया इस देश की जो डेमोक्रेसी की एक अहम हिस्सा है, हमारी 4th पिलर है। ये मीडिया की फ्रीडम का आप बोल रहे हैं, ये मीडिया की सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं है, इस देश की जनता का जो जानने का एक हक है उस हक को जो ये उसको निभाने का एक बहुत बड़ा काम मीडिया कर रही है। तो हम इसलिए इस आज के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के, सोलिडारिटी करने के लिए CPI की तरफ से हम इसलिए आई है क्योंकि इस देश का जानने का हक और बोलने का हक और प्रश्न उठाने का हक बचा कर रखने के लिए उस लड़ाई में आपके साथ करके ये हम सोलिडारिटी के लिए आई है। सर मैम बिल्कुल, जिस तरीके से BJP सरकार या यूं कहें जो अब सत्ता में है, केंद्र सरकार भी कह लें, तो उन्होंने तो रातों रात बहुत सारी चीज़ें की हैं, डीमोनेटाइजेशन हो या फिर एस मुरलीधर का जो तबादला हुआ वो भी कहीं ना कहीं बड़ी वजह है, जो अभी तक उस पर कुछ भी सामने नहीं आया कि क्या बड़ी वजह रही कि रातों रात तबादला हो गया। देखो ये सरकार जो BJP जरूर है सत्ते पे है मगर BJP को चलाने वाला जो ताकत है वो RSS का आइडियोलॉजी है, RSS है, तो RSS जो चाहती है वो उसी प्रकार देश को चलाना है। तो ये इसको सरकार को एक टूल की तरफ यूज कर रहे हैं, 56 इंच का प्रधानमंत्री भी बोले मगर RSS का टूल के रूप में वो काम कर रहे हैं। इस वजह से RSS का नाम एक चैनल ने उठाया, सिर्फ तुरंत उसको जाके बैन कर रही है, ये सब कहाँ होगा या ऐसा कोई सुना है पूरी दुनिया में? तो ये मॉडर्न टाइम में ये नहीं हो सकती है। तो ये देश हमारी डेमोक्रेटिक देश है, ये फासीवादी या ऐसा काम इधर नहीं होगा, नहीं होने देगी। मैम ये मीडिया ही नहीं, यहाँ बात करें अगर लोगों की, जो देश की जनता है उन्होंने भी, उनका भी यही कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो RSS की आइडियोलॉजी पर चल रही है। वो बिल्कुल सही है, इसलिए जो देखो 2014 से आप देखें हमारे देश में इतना जो मॉब लिंचिंग हुआ है, हमारे देश को जो जो देश प्रेमी जो बोल रहे हैं ना, बोल के घूम रहे देश की जो तिरंगा उठा के, वही तिरंगा उठा के एक रेपिस के पक्ष में 3 मंदिर या रैली निकाल रहे कतुआ के अंदर, क्या आइडियोल, क्योंकि वो दिखाना चाहती हूँ कि मनुवाद में विश्वास करती हूँ, मनुवाद में महिला का कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ 4 दीवारों के अंदर रहना है, यदि बाहर आएगा तो ये उनके साथ यही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बताया, एक बेटी ने सीने पे ले लिया था वो और उसका सबसे टॉप मार्क स्कोर किया और उसको 1 हफ्ते के बाद उसको गैंगरेप किया है, क्या कदम उठाए, क्या कुछ एक शब्द प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, वो महिलाओं की क्या है जो सशक्तिकरण के लिए बहुत बातें कर रहे, अभी बोल रहे कल 8 मार्च को उनका सोशल मीडिया महिलाएं, बहुत कृपा है उनका। हम उनको ये बताना चाहती हूँ यदि आप महिलाओं के प्रति जो बोल रहे उसमें से 100% नहीं चाहिए, 1% 1% इफ यू आर सिंसियर जो बोलने में है, तो आपको कल ये घोषित करना है जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण के ओर बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट कदम है, उसको आप अनाउंस करें इसी सेशन में, आप जो महिला आरक्षण बिल वो राज्यसभा में पास हो गया है और अभी
आपको लोकसभा में लेके आना है, इसको पास कराएं, किसी का आप मेहरबानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बीजेपी अकेले इसको पास कर सके, उतना ताकत है पार्लियामेंट के अंदर। तो बीजेपी हर वक्त यही बोल रही, यदि हम सत्ता पे आएंगे तो ये पास करेगी। तो महिला के प्रति ये रोना बंद करना है, हमें नहीं चाहिए आपका जो सोशल मीडिया का क्यों मेहरबानी हमारे ऊपर कर रहे, हमें हमारी जो हिस्सा चाहिए, जो देश चलाने में देश का निर्णय लेने का जगह पे हमारी देश की महिला को जितना हिस्सा, वो हिस्सा हम मांग रही है। इसलिए महिला आरक्षण बिल पास करने का घोषित करना, यदि प्रधानमंत्री महिला के प्रति 1% जो सच्चाई उनका बोलने में है। तो मैम दो चीज़ें सामने आई हैं, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हिंसा हुई, एक तरफ वो पूरा इलाका जो जल करके खाक हो चुका है और एक तरफ वो नेता जिनको वाई प्लस सुरक्षा मिली है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो हम सच्ची में मेरे ख्याल से हम एक थोड़ा सा डार्क पीरियड में चल रहे हैं, क्योंकि हम अभी ये देख रहे हैं कि जो भी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का 370 हटाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का अंदर जो केसेस आई है, या जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू का लेके जो वर्डिक्ट आई है, कोर्ट ने इतना अच्छा बोला, कौन गुनाह किया है, क्या गुनाह था, सब कुछ बोल दिया। इसके बावजूद भी सारा गुनहगार को जो क्राइम करने वाले के हाथ में सब कुछ दे दिया है। तो इसके बाद फिर हम देख रहे हैं ऐसा बहुत सारे चीज़ देख रहे हैं, एक जो जज ने बोला है तुरंत कार्रवाई होना है, इंटरवेंशन होना है, पुलिस को काम करना है, सरकार को काम करना है, उसको रातों रात शिफ्ट किया है। और फिर अभी जो जो दंगे भड़काने का बात किया था, उस व्यक्ति को वाई प्लस कैटेगरी में जो उसका वाई प्लस सिक्योरिटी दे रही है, तो इसका आप क्या संदेश देना चाहती हो? आप ये संदेश देना, आप देखो पहले हमने देखा जो जो मॉब लिंचिंग किया वो जेल में गया, वापस आ गया, आप हार अर्पण करके उसको रिसीव कर रहे, उसको जॉब दे रही है, और सरकार का जो ऑपोजिशन के खिलाफ कुछ भी करे उसको सरकार की नौकरी भी मिलेगी, बहुत बड़ा पद भी मिलेगी, और अभी ये देख रहे हैं उसको सिक्योरिटी भी मिलेगा। तो ये जो फासीवाद, क्योंकि फासिस्ट लोग डर रही है इस देश की असली जनता को, जो लोग डेमोक्रेसी में सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाला गांव की स्तर से जो लोग है उनसे डर रही है, इसलिए वो सारा चीज़ कर रहे हैं। नहीं तो ये क्या दिखा रहे, जनता के पक्ष में नहीं है, ऐसे क्रिमिनल के पक्ष में है। इस देश की हर एक जो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रही है, इवन जो कोर्ट भी कभी कभी इस वक्त यही दिखा रहे कि वो भी क्रिमिनल के पक्ष में है। मैम मीडिया के साथ साथ जो अब है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सड़क पर उतर आए हैं, सब लोग सड़क पे है आज, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे आम जनता हो, किसान हो, और जो जो खेत मजदूर हो, और वर्कर हो, महिला हो, सभी को इन लोगों ये किया है कि सबको अभी जो रास्ते पे उतार दिया है। वो महिला देखो कहा, सबसे पहले चीज़ ये देखना है महिला की जो शांतिपूर्णक जो जो धरना, इतना बड़ा भयंकर एक चैलेंज हो रहा है सरकार को, इसलिए सारा चीज़ करवा रहे कर रही है, इतना दबक कर रही है। तो ये देश की जनता लड़ेंगी, वो लड़ रही इसलिए लड़ रही है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जीने का हक, इज्जत से जीने का हक हमें दे रही है जनता को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का नाम से लड़ेंगी, और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लड़ाई इस देश की जनता का ही। लगातार हालात जब इतने गंभीर हैं तो इसका आखिर विकल्प क्या होगा? आंदोलन तो चल ही रहे हैं, देश को आज़ादी कितनी साल की लड़ाई के बाद मिला है, तो इसलिए मैं बोल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फासीवाद ताकत को हरा कर ही देश की जनता रहेगी, इसमें उतना तक लड़ाई लड़ेंगी। या फिर मैम ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से देश की जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा किया, अब वो क्यों सामने नहीं आ रही, या फिर ये कहें कि देश की जनता को अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो सड़कों पर उतरी हुई है, तो अभी तक कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने क्यों नहीं गया? देखो जनता सब समझ रही है,
इसलिए जनता का जो जो पहले 10 में जनता था तो अभी 100 हो गया है, 1000 हो गया, लाख हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्योंकि जनता समझ रही है। तो ये क्या, ये सरकार क्या कर सकती है उसको, जो उसको रोकने के लिए और उससे हमारे देश को बचाने के लिए क्या करना है वो जनता समझ रही है। इसलिए हर क्षेत्र के लोग आज जो संघर्ष कर रहे हैं। अगर यही हालात बने रहे तो भविष्य कैसा होगा? जरूर हमारे देश की भविष्य अच्छा ही होगा। इस देश का जनता हमारे देश को इतना कुर्बानी दिया है, हमारे देश की जनता ने इस देश को आज़ाद करने के लिए इतना तक लेके आने के लिए 70 साल में ऐसा 2014 से शुरू नहीं हुआ है हमारे देश का विकास, ये पहले से ही है। तो ये इसके लिए बहुत सारे लोग अपना अपना योगदान दिया है, कुर्बानी दिया है, सब कुछ किया है। तो आगे भी इस देश का भविष्य अच्छी होगी, जनता वो सुनिश्चित करेंगे। मैम आखिरी कमेंट है, जिस प्रकार से देश का फाइनेंस सेक्टर डूब रहा है, बैंक डूब रही, क्या देखती, कहाँ पर गलती रहेगी सरकार से? सरकार का नीतियों की गलती है। सरकार का जो नीति है वो नीति पहले से ही जो जो कॉरपोरेट का पक्ष में है, कॉरपोरेट का मुनाफा बढ़ाने का ही कदम ये उठा रही है। ये जो पूरा जो न्यूलिबरल पॉलिसी को रिव्यू करने का, असेस करने का टाइम है और सरकार उसी के अनुसार रिव्यू करके पॉलिसी बनाना है। ऐसा नहीं है कि जनता मर जाए, जनता कुपोषण से मरे या भूखमरी से निपटाए, मगर कॉरपोरेट को आप सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं चलेगा। सरकार का नीति बदलना पड़ेगा, तब होगा इस सेक्टर का, हमारी इकोनॉमी तब ग्रो कर सकती है।